एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैजेट। हाँ तो गाइस, इंडियन सिनेमा में कितना भी बड़ा एक्टर हो, मतलब कि कितना भी बड़ा एक्टर हो, लेकिन जितने प्रोजेक्ट, जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट अपने प्रभास अन्ना सर के पास है ना भाई, सब किसी भी एक्टर के पास नहीं है। क्योंकि प्रभास अन्ना सर ने इंडियन सिनेमा में इतना दबदबा बना रखा है, मतलब कि रौला चलता उनके नाम का। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल प्रभास अन्ना सर के फैन के लिए, क्योंकि मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि काफी लंबे समय से काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं कि हर्ष भाई, प्रभास अन्ना सर के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अपडेट दे दो। तो गाइस, काफी बड़ा अपडेट निकल कर आया है अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी शॉक्ड करने वाला है। मैं सब बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को क्या करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते, किसके लिए यार, आप ही के लिए। तो चलिए जान ले। हाँ तो गाइस, जितने भी प्रभास अन्ना सर के डाई हार्ट फैन है ना, उन्हें ये अच्छे से क्लियर है कि प्रभास अन्ना सर का किन किन डायरेक्टरों के साथ प्रोजेक्ट है, कैसा क्या लाइनअप होने वाला, ऑलरेडी उन्हें क्लियर है। लेकिन गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला अपने प्रभास अन्ना सर का, और ये पूरी की पूरी मूवी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अपने प्रभास अन्ना एज अ सोल्जर के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले, यानी कि फौजी के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले है। और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, पैरोडिक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाला है भाई सब। आप गाइस देख सकते हैं, पैरोडिक भी होने वाला है, एक्शन ड्रामा भी होने वाला है। और ड्रामा के मामले में भाई साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हनु राघोपुरी किस टाइप के डायरेक्टर है। और भाई साहब, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये डायरेक्टर कौन है, तो उन लोगों को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई साहब, आप लोगों ने सीतारमन मूवी का नाम सुना होगा, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी और जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जहां पर अपने को दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर देखने को मिले थे। किस तरह का ड्रामा था, किस तरह का लव स्टोरी था, मतलब कि काफी तगड़ा स्टोरी था। हाँ तो गाइस, यहाँ पर राघवपुरी, मतलब कि हनु राघवपुरी इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। और अगर मैं कास्ट की बात करूं, तो अपने वन एंड ओनली प्रभास अन्ना सर लीड एक्टर होने वाले हैं। वहीं अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूं, तो भाई साहब मृणाल ठाकुर मैम यहां पर दिखाई देने वाली है। तो भाई साहब, आप देख सकते हैं कि मृणाल ठाकुर प्रीवियस मूवी में भी थी, यानी कि सीतारमन में भी थी। और भाई साहब, यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि दुलकर सलमान अपने ऐसा कैमियो में दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस, अब ये चीज चल क्या रहा है, मतलब कि एक्चुअल में आप देखें, प्रीवियस मूवी में लीड एक्टर दुलकर सलमान थे और मृणाल ठाकुर थे, और सेम वही यहां पर वो चीज क्लियर होती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर प्रभास अन्ना लीड एक्टर होने वाले हैं और अपनी लीड एक्टर जो होने वाली मृणाल ठाकुर होने वाली है। और गाइज, अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के टाइटल के बारे में, तो ऐसा लेटेस्ट बज निकल कर आ रहा है, काफी दिनों से ये चीज ट्रेंडिंग कर रही है कि भाई सब, इस प्रोजेक्ट का जो नाम होने वाला है फौजी होने वाला है। क्योंकि यहां पर स्पेशली प्रभास अन्ना सोल्जर के कैरेक्टर में, यानी कि आर्मी मैन फौजी के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। और गाइस, मुझे उन लोगों को ये क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि अगर यहाँ पे पैरोडिक एक्शन ड्रामा होने वाला है, तो किस टाइप का एक्शन ड्रामा होने वाला है, फौजी की ड्यूटी क्या होती है, किस टाइप का काम होता है, ये प्रॉपर तरीके से अपने को इस मूवी में देखने को मिलेगा, जो कि प्रोजेक्ट होने वाला है हनु राघवपुरी के साथ। भाई साहब, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रीवियस मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है डायरेक्टर हनु राघवपुरी का, तो भाई साहब आप खुद सोच सकते हैं, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर प्रभास अन्ना सर के साथ मूवी आने वाली है, तो किस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आने वाला है और इंडियन सिनेमा में हाइप कैसी जाने वाली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बस इतना पता है कि तबाही ऑन द वे है। वैसे गाइस, आप लोग हमें बताएं और प्रभास अन्ना सर के फैन बताएं कि इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है डायरेक्टर हनु राघवपुरी के बारे में, ये जो एक्शन पैरोडिक ड्रामा मूवी होने वाले इसके बारे में क्या लगता है, प्रभास अन्ना सर के सोल्जर के कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।